राम राम जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कन्वी टेल्स। दोस्तों कमेंट सेक्शन में राम राम जी जरूर कीजिएगा। एंड दोस्तों अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों नीचे आपको इंस्टाग्राम पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड दोस्तों इस पेज की बात करें तो ये पेज नेपाल से है। एंड दोस्तों आप देख ही सकते हो। तो दोस्तों इस पेज ने जो क्राइटेरिया होता है इन स्ट्रीम एड्स का वो कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम इस पेज को मोनेटाइज करके दिखाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि ये पेज मोनेटाइज होता है या नहीं है, क्योंकि ये पेज नेपाल से बिलोंग करता है एंड नेपाल में जो मोनेटाइजेशन है वो एलिजिबल नहीं है। सो दोस्तों अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके फॉलोवर्स से। इसके फॉलोवर्स आप देख सकते हो 10K फॉलोवर्स हैं एंड जो रीच हैं वो रीच भी काफ़ी ज़बरदस्त है। सो दोस्तों अब इस पेज को हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम ऊपर जा करके इसका पहले पेज इन्फो चेक कर लेते हैं। सो यस, यहाँ पर दोस्तों आप पेज इन्फो को देख सकते हो। एंड दोस्तों अब हम पेज इन्फो चेक करेंगे। दोस्तों पेज इन्फो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन जो है ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी ठीक है एंड कैटेगरी भी, फ़ोन नंबर भी एंड दोस्तों वेबसाइट भी एंड दोस्तों ईमेल भी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ सेट है। एंड जो ये इस पेज में दो एडमिन है, मतलब एक एडमिन और हैं, वो एडमिन भी मतलब कि यहाँ से इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों हमने उनका मतलब कि एड्रेस यहाँ पर डाल के रखा है, तो यहाँ से इंडिया जो है वो सिलेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से मतलब कि जो एलिजिबल कंट्री है वो इसमें ऐड हो चुकी है। सो दोस्तों और हम यहाँ पर पेज क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं कि पेज क्वालिटी क्या है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पेज क्वालिटी पर भी कोई वायोलेशन नहीं है, यहाँ पर नो रेस्ट्रिक्शन नो वायोलेशन आ रहा है ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्रिएटर स्टूडियो को यहाँ से ओपन कर लेंगे, हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या सीन है। सो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है तो मैं डायरेक्ट वहीं से चला जाता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर अभी हम मोनेटाइजेशन पर क्लिक करेंगे। एंड दोस्तों यहाँ पर नीचे देखते हैं कि पॉलिसी इशू पर कोई इशू तो नहीं है ठीक है। सब कुछ देखने के बाद ही हम मोनेटाइज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो वो मतलब कि वहाँ पर कोई इशू नहीं है, नो मोनेटाइजेशन बैचेस लिख करके आ रहा है। एंड हम ओवर व्यू पर करते हैं कि यहाँ पर क्या सीन है। सो दोस्तों यहाँ पर इन स्ट्रीम एड्स के नीचे आप देख सकते हो लर्न मोर का बटन आता है। दोस्तों जब आपका पेज जो है वो क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेता है तो यहाँ पर इन स्ट्रीम एड्स के नीचे आपके गेट स्टार्ट का बटन आता है ठीक है। तो गेट स्टार्ट पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इन स्ट्रीम एड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा, जहाँ से आपको पूरी डिटेल्स देनी होंगी इन स्ट्रीम एड्स को अप्लाई करने के लिए ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर आ गए। तो यहाँ पर फर्स्ट में तो आपसे मांगेगा कि आप अपना पेज को सिलेक्ट कीजिए। तो हमने अपना ऑलरेडी पेज सिलेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो है ठीक है सिलेक्ट पेज वो कंप्लीट हो गया है। एंड सेकंड है कि यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको रिव्यू करना है, तो यहाँ पर आपको देख करके इसको अग्री टू टर्म्स पे कर सकते हो। ये करे बिना तो आपका पेज मतलब कि मोनेटाइज होगा ही नहीं ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आया था सेटअप अर्निंग्स ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, पेज देख लेंगे कि सिलेक्ट है या नहीं है। सो दोस्तों अब यहाँ पर क्रिएट न्यू पे करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, तो मैं भी यहाँ पर क्रिएट न्यू पे कर देता हूँ, ऐड पे क्लिक कर दिया। एंड यहाँ पे फर्स्ट में हमसे मांग रहे हैं कंट्री, तो यहाँ पर हम कंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम इंडिया से हैं तो यहाँ पर हम इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे इंडिया ठीक है, ये मिल गया इंडिया। तो यहाँ पे हमने इंडिया को सिलेक्ट कर लिया। एंड बिजनेस टाइप यहाँ पर हम आपका जो टाइप है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, बट हमारा कोई बिजनेस वगैरह नहीं है तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर रहे हैं। देन दोस्तों नेक्स्ट आता है यहाँ पर योर लीगल नेम। तो योर लीगल नेम इसमें दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट है अपने बैंक अकाउंट का नाम डालना ठीक है। तो मैं अपना वही नाम डाल रहा हूँ जो मेरा बैंक में पड़ा हुआ है ठीक है। सो आप भी उसी नाम को डालें जो आपके बैंक अकाउंट में है ठीक है। अगर वो डालोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपका जो पेमेंट है इन स्ट्रीम एड्स का वो बैंक अकाउंट में ही आता है, तो वो डालना ज़रूरी है ठीक है। सो दोस्तों मैं आपको मैं ये टाइप कर लेता हूँ। सो दोस्तों आपको क्या क्या इसमें भरना होता है, अपना लीगल नेम, एड्रेस, टाउन एंड कंट्री ठीक है, पोस्ट कोड, फ़ोन नंबर एंड यहाँ पर कॉन्टैक्ट ईमेल एंड जो ये लीगल इन्फॉर्मेशन है ठीक है ये भी ज़रूर देनी है। सो दोस्तों यहाँ पर हम अभी ये सारी चीज़ें सेट कर देते हैं ठीक है। इसके बाद हम दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर जो अदर गवर्नमेंट आईडी जो आपसे मांगता है, यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो, लाइक अपना आधार कार्ड का नंबर दे सकते हो या फिर अपना आप दे सकते हो पैन कार्ड का नंबर, जो भी आपको बेटर लगे वो आप यहाँ पे भर करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। सो हमने मतलब सब कुछ सेट कर दिया है, हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। सो तो यहाँ पर ये हमसे मांग रहा है, ये कह रहा है कि आपने इन्फॉर्मेशन को मतलब कि कंफर्म कर लो कि आपने ठीक से भरी है या नहीं, कुछ करेक्ट नहीं करना है क्योंकि दोबारा चांस हमें बहुत बाद में मिलता है ठीक है। सो हमने देख लिया, हम इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। सो दोस्तों हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो अब हमारे सामने आ गया है कि हम बैंक की डिटेल्स सेट कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, आप यहाँ पर पेपाल का अकाउंट भी सेट कर सकते हो एंड बैंक अकाउंट भी। सो दोस्तों हम बैंक अकाउंट सेट कर रहे हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो
जो हमने लास्ट में कंट्री इंडिया सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बैंक का कंट्री जो है वो इंडिया ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। एंड देन फिर नेक्स्ट ऑप्शन होता है स्विफ्ट नंबर का। सो स्विफ्ट नंबर डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आप अपना बैंक का स्विफ्ट नंबर आप बैंक से पूछ सकते हो या फिर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। एंड इसके बाद आता है अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर हम अकाउंट नंबर भी सेट कर देते हैं। एंड दोस्तों इसके बाद आता है आपका लीगल नेम, ठीक है, जो अकाउंट होल्डर है उनका नाम क्या है, तो वो यहाँ पर नाम आपको सेट करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर वो नाम सेट कर देते हैं। सो दोस्तों हमने नाम भी अपना सेट कर दिया है, ठीक है, एंड दोस्तों यहाँ पर हमने नाम दे दिया है। एंड इसके बाद जो ईमेल एड्रेस है, ठीक है, सॉरी नाम एंड स्विफ्ट कोड एंड अपना अकाउंट नंबर सब कुछ दे करके यहाँ पे इसको राइट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर लिंक बैंक पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कर देते हैं क्लिक। एंड दोस्तों इसके बाद एक नेक्स्ट पेज और आएगा आपके सामने, इस पेज का हेडिंग है रिव्यू योर डिटेल्स। आप अपनी डिटेल जो आपने अभी सेट की हैं उसको रिव्यू कर सकते हो एंड इसके बाद आपको कन्फर्म कर देना है देख करके, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज आएगा यू आर ऑल सेट, ठीक है, आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों इतना होने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर पेमेंट अकाउंट इज़ नाउ कनेक्ट विथ योर पेज, ठीक है, आपने जो पेमेंट अकाउंट अपना दिया था वो आपके पेज से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर ये मैसेज शो हो रहा है। बट अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पर कंप्लीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये तीनों चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, तो हम एक बार फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है। एंड दोस्तों आप देख सकते हो अब यहाँ पर कंप्लीट का ऑप्शन आ गया है एंड ऊपर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है येस इंक्लूड एड्स इन में एलिजिबल वीडियो, मतलब इसका मतलब है कि आपकी जो वीडियो एलिजिबल हैं, ठीक है, जिस पे इन स्ट्रीम एड लग सकता है, क्या आप उसको अंडर रिव्यू में भेजना चाहते हो इन स्ट्रीम ऑन के लिए, या फिर आप स्किप पे करोगे तो क्या होगा कि मैनुअली आप एक एक करके सारी वीडियोज़ को इन स्ट्रीम एड्स के लिए भेजोगे, ठीक है, अंडर रिव्यू में भेजोगे। सो हम पहले वाले पे क्लिक कर देते हैं कि ऑटोमेटिकली चले जाएं, क्योंकि कौन इतना झाड़ पालेगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हो जाती हैं। सो हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, सबमिट वीडियोस फॉर रिव्यू, तो यहाँ पर ये मैसेज शो हो रहा है एंड यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर दो, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर यू आर मतलब कि यहाँ पर आपका मैसेज आ गया है, ठीक है, नाउ दैट यू हैव इन स्ट्रीम एड्स हेयर, तो मतलब कि आपका जो अप्लाई किया था आपने वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। सो दोस्तों अब आपको क्या करना है, पर गो टू क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक कर देना है, यहां से आपका काम पूरा कंप्लीट हो गया है। हम क्रिएटर स्टूडियो में जाकर के देखेंगे कि नेपाल का पेज, ठीक है, मोनेटाइज हुआ या नहीं हुआ। सो दोस्तों यहाँ पर हम पेज पर आ गए हैं, ठीक है, क्रिएटर स्टूडियो हम ओपन कर लिया है। सो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इन स्ट्रीम एड्स के नीचे मैट्रिक्स लिख करके आ रहा है, एंड दोस्तों ये नेपाल का पेज था, एंड दोस्तों आप देख सकते हो ये मोनेटाइज हो गया है, एंड ब्रांड कोलैब के नीचे भी मैट्रिक्स लिख करके आने लगा है, ठीक है, मतलब कि ब्रांड कोलैब से भी ये पेज मोनेटाइज हो गया है। सो दोस्तों अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि अब दोस्तों बहुत सारी सेटिंग्स आपको मोनेटाइजेशन के बाद करनी होती है, ठीक है, उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया है, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो दोस्तों उसका लिंक आपको आई बटन में ही मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इन स्ट्रीम एड्स को अप्लाई करने के बाद बहुत सारी सेटिंग्स ऐसी होती हैं जो करनी इंपॉर्टेंट होती हैं, लोग नहीं करते हैं तो वो कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। सो इस वीडियो में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों अभी हम पे आउट सेटिंग चेक कर लेते हैं, जो चीज़ चेक करनी है छोटी मोटी चीज़ें वो चेक करके आपको दिखा देते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर पे आउट सेटिंग भी सेट हो गई है, ठीक है, यहाँ पर ये शो हो रहा है। एंड दोस्तों अभी हम इन स्ट्रीम एड्स पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि यहाँ का पर क्या सीन है, तो अभी वीडियो कोई शो नहीं हो रही क्योंकि अंडर रिव्यू में नहीं गई होंगी, ठीक है, हम यहाँ उनको मैनुअली भी भेज सकते हैं अगर नहीं गई होंगी तो। सो दोस्तों अभी हम देखते हैं कंटेंट लाइब्रेरी में कि वीडियोस कोई अंडर रिव्यू में गई है या नहीं। सो अगर नहीं गई होगी तो हम लोग भेज देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आता है हम लोगों को। एंड दोस्तों अगर आपको अपनी वीडियो को मैनुअली अंडर रिव्यू में भेजना नहीं आता है तो दोस्तों उसके लिए भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड दोस्तों एक चीज़ और, अगर आपको अपनी वीडियोस को एक बार में, ठीक है, मतलब कि वन क्लिक में सारी वीडियोस को मोनेटाइजेशन के लिए भेजना है, अंडर रिव्यू में भेजना है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी आपको आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों वो भी आप कर देख सकते हो। सो दोस्तों मैंने यहाँ पर देखा कि कोई भी वीडियो जो ये जो सारी वीडियोज़ हैं वो लाइव वीडियोज़ हैं, एंड यहाँ पर मेरे को कुछ उस टाइप की वीडियो नहीं मिल रही जो वीडियो मोनेटाइज होती है। सो लाइव वीडियो तो मोनेटाइज होती नहीं है, सो हम एक लाइव वीडियो डाल करके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो मोनेटाइज हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों आपको अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, दोस्तों आपका भी अगर सेम प्रॉब्लम हो एंड अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों शेयर करोगे तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को सीख पाएंगे, एंड दोस्तों मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, उन्हें भी सपोर्ट मिलेगा। एंड दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो लाल वाला बटन दबाए कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे न्यू वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।